तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पोकेमोन मास्टर ईएक्स की। ओके, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। उससे पहले जो पोकेमोन के फैन हैं, ओके, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, एक खुशखबरी है कि जो पोकेमोन फैन है उनको पोकेमोन देखना और उसके साथ साथ मोबाइल, पीसी, एंड्रॉयड, आईओएस और सारी जगहों पर खेलना भी पसंद है, यानी कि उसकी गेम भी पसंद है उनको, जो पोकेमोन फैन है उनका। मैं भी एक पोकेमोन फैन हूँ, मुझे भी पसंद है। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ आती है कि एंड्रॉयड, आईओएस ऐसे प्लेटफॉर्म पे पोकेमोन की जो बेहतरीन अच्छी गेम है वो है नहीं ज़्यादातर। बाकी आरपीजी ऐसी गेम है पोकेमोन की, बाकी उतनी अच्छी गेम्स नहीं है। हाँ, एक पोकेमोन गो अच्छी गेम है और पोकेमोन यूनाइट जो एक साल हुआ है रिलीज हुई, ये दो गेम है जो पोकेमोन की है, कह सकते हैं कि ये पोकेमोन के टाइप की गेम है। ओके, ये दो गेम है और ये तीसरी गेम नहीं आ चुकी है एंड्रॉयड आईओएस हर एक जगह प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इसका नाम है पोकेमोन मास्टर ईएक्स, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो पोकेमोन मास्टर ईएक्स आप केशियो के कृत्रिम द्वीप का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कृत्रिम यानी कि मानव यानी हम ह्यूमंस ने एक द्वीप बनाया है और उसका नाम पेशियो है। तो उस द्वीप का हमें पता लगाना है और उस टापू यानी कि वो कृत्रिम टापू पर जाकर हमें वहाँ पर लड़ाई करनी है यानी बैटल करना है। और ये 3v बैटल होगा, तीन प्लेयर इस तरफ, तीन प्लेयर उस तरफ, यानी कि टोटल 6 प्लेयर होंगे और इन 6 प्लेयर तीन तीन प्लेयर के बीच बैटल होगा और वो भी ऑनलाइन होगा, यानी कि वास्तविक समय में ये बैटल होने वाला है। और जब आप पोकेमोन मास्टर लीग के चैंपियन बनने की दिशा में आगे काम करेंगे, यानी कि इसके अंदर रैंक मैच भी होने वाला है, रैंक हो गए और इसके अंदर आप टीम बनाकर आगे आप खेल सकते हो, जैसे पोकेमोन यूनाइट में है वैसे ही। लेकिन पोकेमोन यूनाइट में क्या है कि वहाँ पर आपको 5v5 बैटल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3v3 बैटल मिलेगा और मज़ा भी आएगा टीम बनाकर आगे खेलने में। और जब आप ये चैंपियन बनने के दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, यानी कि खलनायक प्रशिक्षक बन जाएंगे। तो पेशियो पर प्रत्येक ट्रेनर एक समय में एक विश्वसनीय पोकेमोन के साथ जुड़ता है, मतलब यहाँ इन्होंने कहा है, जो ये पोकेमोन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो पोकेमोन यहाँ पर ईएक्स वाले है, पोकेमोन मास्टर ईएक्स वाले ये कह रहे हैं कि ये पेशियो, इसका क्या अर्थ है ये तो मुझे पता नहीं है, पेशियन का अगर आपको पता है कि PASION स्क्रीन के ऊपर मैं डाल दूंगा, इसका मतलब क्या होता है तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। ओके, तो अभी मैं इसे पेशियो पेशियो बोलूँगा, बाकी मतलब भी है। तो यहाँ पर ये पेशियन के जो प्रत्येक ट्रेनर होगा, जो प्लेयर होगा, उसके साथ एक उसका जो उसका मनपसंद पोकेमोन जो उसके साथ खेलना चाहता है वो उसके साथ ही रहेगा, जैसे कि एस के पास पिकाचू था। ओके, और पोकेमोन के अंदर हर एक ट्रेनर के पास एक खास पोकेमोन रहता है जो उसके साथ एडवेंचर पे जाता है, बैटल पे जाता है, एक खास पोकेमोन रहता ही। जैसे एस के पास पिकाचू था, वैसे ही हमें इस गेम के अंदर भी अपना एक पोकेमोन चूज करना है, एक साथी चूज करना है जो हमारे साथ रहेगा, बैटल करेगा, जुड़ा रहेगा। इस साझेदारी यानी कि साझेदारी को एक सिंक जोड़ी के रूप में जाना जाएगा, यानी कि ये जो पोकेमोन और प्लेयर के जो जोड़ा होगा यानी पेयर्स होगी उसे एक सिंक जोड़ा कहा जाएगा। ओके, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, ओके सिंक जोड़ा पता नहीं, जो भी हो जाने दो, तो सिंक जोड़ा कहा जाएगा। तो इसके बाद हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सिंक जोड़ा। और यह आपकी पोकेमोन मास्टर ईएक्स टीमों की नींव है। तो ये जो आप जिस पोकेमोन के साथ आप साझेदारी करेंगे यानी कि पेयर बनाएंगे, अपना टीममेट्स बनाएंगे, पोकेमोन को अपना साथी बनाएंगे, वो एक नींव है, एक पहला बड़ा है जहाँ से आगे पोकेमोन मास्टर बनने की जो पैथ है यानी कि जो रास्ता है वो शुरू हो जाएगा। सिंक जोड़ी के विविध रोस्टर का निर्माण उनके कौशल को विकसित करता है और उनकी ताकत को उजागर करने वाली टीमों में डालता है। पेशियो पर आपकी यात्रा में सफल होने की कुंजी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आप साझेदारी से प्लेयर और पोकेमोन खेलेंगे तो उन दोनों का रोस्ट यानी कि पोकेमोन और प्लेयर का जो जुस्सा है वो बढ़ता है और उनके अंदर नई ताकत उजागर करता है। आपने पोकेमोन के अंदर देखा होगा कि पोकेमोन जो है वो कई सारे नए नए अटैक्स मूव सीख सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे आप पोकेमोन को ट्रेन करके आप उसे कई ज़्यादा नई पावरफुल मूव्स भी सिखा सकते हो। आपको अपने सिंक जोड़े को इतना शक्तिशाली बनाने में मदद करने के लिए सभी पड़ावों का खींचने की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप अपने जो पोकेमोन है उसे आप पेट है, पेट तो नहीं कहा जाएगा, चलो साथ ही कहते हैं, तो उसे आप जितना शक्तिशाली
बनाना चाहो उतना बना सकते हो। जैसे कि आप चरम युद्ध की घटनाओं लीजिए, लेजेंडरी एरिना और चैंपियंस स्टेडियम में पाएंगे। और यहाँ पर ये जो पोकेमोन एक्स कंपनी वाले हैं, उन्होंने हर एक तरीके से जो आप यानी कि प्लेयर और प्लेयर के साथी पोकेमोन को हर एक तरीके से हराने के लिए, यानी कि उनके सामने इतने ऊपर एक से ऊपर एक कठिन चुनौतियाँ डाली हुई है, जैसे कि लेजेंडरी एरिना है, चैंपियन स्टेडियम है, ये सारी चीज़ें है ये पोकेमोन गेम के अंदर होगी। आपको पोकेमोन मास्टर एक्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपकी कड़ी परीक्षा होगी कि आप अपने पोकेमोन के साथ कितना ताकतवर बन सकते हो। अब सिंह के साथ जुड़ी हुई कुछ मूल बातें, यानी कि पेयर्स जो जोड़ी बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं प्लेयर और पोकेमोन, उससे जुड़ी कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो इस सिंह जोड़ी की मूल बातों में पहली बात यह है कि ये जो प्रत्येक सिंह जोड़ी, यानी कि हर एक जो पेयर्स जोड़ी होगी, उनके कई गुण होंगे। ओके, उनके पास कई सारे गुण होंगे, कोई भी जोड़ी क्यों ना बने पोकेमोन की, तो उनमें खास प्रकार की बात होगी। हर एक पोकेमोन का अलग अलग मूव होता है, अलग अलग पैटर्न होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसके गेम के अंदर आपको चार प्रकार के मूव देखने को मिलेंगे जो सेट हो गए, जो आप जानते होंगे कौन सा मूव क्या काम करता है, जो आप पोकेमोन ट्रेनिंग के अंदर सीख लोगे पोकेमोन मास्टर एक्स के अंदर। तो चार मूव आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर से तीन मूव निश्चित होंगे, तीन मूव यानी कि निश्चित होंगे जो आप दिए ही जाएंगे, जो उस पोकेमोन के टाइप है उस प्रकार के तीन मूव तो दिए ही जाएंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा मूव जो चौथा है, वो आप उस पोकेमोन को कौन सा कौशल यानी कि कौन से प्रकार का मूव देना चाहता हो, ये आपके ऊपर होगा। यानी कि चार प्रकार की चाल आप चल सकते हो, लेकिन लास्ट वाली आपके हाथ में, अगर तीन फिक्स हो गए कि यहीं आप चल सकते हो, यानी कि यहीं तीन अटैक कर सकते हो, ये फिक्स होगा। और एक और चीज़ जो हमें रियल पोकेमोन में भी दिखाई देती है, वहीं हमें इस गेम के अंदर भी दिखाई देगी कि जिस टाइप का पोकेमोन है। ओके, एक टाइप का पोकेमोन जैसे कि वाटर टाइप समझ लो, तो वाटर टाइप है तो उसका एक मूव होगा, जो वाटर टाइप मूव होगा वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगी फायर टाइप में। फायर टाइप के सामने ये वाटर टाइप का पोकेमोन का जो मूव है वो शक्तिशाली होगा, तो ये उसका शक्तिशाली मूव है उस फायर टाइप पोकेमोन के सामने। और दूसरी तरफ इसका एक कमज़ोर मूव भी होगा, यानी कि इसकी कमजोरी भी वही है इसका टाइप, समझ रहे हो। जैसे कि फायर है, ओके, फायर पोकेमोन है, तो उसका कमजोरी क्या है, वाटर टाइप पोकेमोन, तो फायर टाइप पोकेमोन को वाटर टाइप आराम से हरा सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो ऐसी ये जो रियल पोकेमोन यानी कि जो एनीमे हमें दिखाई देता है टीवी के अंदर, आपने देखा होगा, तो उसमें जो है वही आपको इस गेम के अंदर भी अनुभव कराने के लिए इन गेम डेवलपर्स ने इसके अंदर भी ऐसा ही डाला है। और दूसरी चीज़ जो ये भी आपको एनीमे में दिखाई दे ही होगी, कि आपने देखा ही होगा एनीमे में ये चीज़ भी, कि जब भी या कोई भी ट्रेनर जब पोकेमोन बैटल लड़ने जाता है, यानी कि किसी जिम के अंदर या फिर टूर्नामेंट के अंदर, तो वहाँ पर उनके पास जो उनकी टीम होती है साथ में, पोकेमोन्स की टीम होती है, तो यहाँ पर भी आप इन पोकेमोन की थीम सेट कर सकते हो। पोकेमोन आप बहुत सारे पकड़ सकते हो गेम के अंदर ही, पोकेमोन आप बहुत सारे इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आप कुछ पोकेमोन की ही थीम बना सकते हो। जैसे कि एक टाइप के पोकेमोन या फिर सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन, लेजेंडरी पोकेमोन, ऐसे थीम बना सकते हो तीन पोकेमोन की, समझ गए, तीन पोकेमोन रख सकते हो एक बैटल के अंदर आप। वो किसी वो आपके ऊपर होगा, यानी कि प्लेयर के ऊपर होगा कि वो कौन सा पोकेमोन रखना, कौन टीम से पोकेमोन रखना चाहता है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई प्लेयर की, अब बात करते हैं टीम की बात, कि इस टीम में सब प्लेयर की अलग अलग भूमिका रहेगी। तीन प्लेयर हो गए, ओके, सामने भी तीन, आपके साथ भी दो प्लेयर एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि कुल मिलाकर तीन इस तरफ तीन उस तरफ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस टीम मुकाबले के अंदर एक जो प्लेयर है वो अटैकर होगा, एक डिफेंडर होगा और एक साइड में टैकल कह सकते हो, कि जो सबका हीलिंग का ध्यान रखेगा, जिसकी एचपी सबसे ज़्यादा होगी। इन तीन टाइप के जो प्लेयर है वो होगा। तो पहले टाइप का जो प्लेयर है यानी कि पहली टीम का, तो उसके पास अटैकर पोकेमोन होंगे, समझ रहे हो, दो अटैक में माहिर होंगे पोकेमोन, जिसका अटैक सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरे टाइप के ऐसे प्लेयर होंगे जिनके पास डिफेंस ज़्यादा होगा, जो किसी भी टाइप का अगर अटैक आए तो अपने साथियों को बचाने के लिए आगे आए, अब अपने साथ जो दो पोकेमोन है उनको बचाने के लिए डिफेंडर पोकेमोन आगे आए और वो सामने वाला का अटैक अपने ऊपर झेल सके, तो वो डिफेंडर पोकेमोन होगा। और एक और टाइप का होगा जो होगा जिसकी एचपी सबसे ज़्यादा होगी, ओके, जो हेल्थ सबसे ज़्यादा होगी, डिफेंडर और अटैकर से ज़्यादा हेल्थ वाला होगा, जिसे टैकलर पोकेमोन कहा जाएगा या टैकलर प्लेयर कहा जाएगा, उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा होगी तीन प्लेयर में। तो इन तीन टाइप के जो प्लेयर है इनके साथ साझेदारी करके आप आगे रैंक मैच में ऊपर बढ़ सकते हो,
वरना क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो प्लेयर है वो ये सब कुछ देखते नहीं, टीम नहीं बनाते, और नॉर्मली ऐसे ही एंटरटेन होने के लिए खेलते और खेलने के बाद रख देते, वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं कि इसमें ऐसे स्ट्रैटेजी होती है कि ऐसा खेलना होता है कि अटैकर पोकेमोन एक बंदा ले, जैसे कि हम तीन दोस्त है तो एक बंदा अटैक के ऊपर ही काम करेगा कि वो सारे अटैकर प्लेयर पोकेमोन है उनसे ही प्रैक्टिस करेगा, तो एक प्लेयर ऐसा होगा कि जो डिफेंडिंग पोकेमोन है उनके ऊपर ही काम करेगा, और एक प्लेयर ऐसा होगा कि जो हील या प्रोटेक्शन कर सके, या फिर ऑलराउंडर हो, समझ रहे, ऑलराउंडर हो कि अटैक में भी चले और डिफेंस में भी चले, एक उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते नहीं, बस खेलते हैं और वहीं पे अटक जाते हैं और फिर बोर हो जाते हैं और ख़त्म हो जाती है उनकी गेम, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है गेम के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गेम को खेलो, पूरा सीखो समझो, फिर उसे खेलो और मज़े लो। बस इंस्टॉल किया, डाउनलोड की, इंस्टॉल किया, खेले थोड़ी देर, खेले आधा घंटा, ख़त्म, पूरा जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। और इसके अंदर एक और चीज़ होगी कि ये जो सिंक जोड़े बनेगी, यानी कि जो टीम बनेगी प्लेयर और पोकेमोन की, जो हमने आगे बात की सिंक जोड़ा, तो उसका जो लेवल है वो स्टार के ऊपर होगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, और जो हाईएस्ट स्टार होगा वो है 6 स्टार EX, ऐसा उसका लेवल होगा, 6 स्टार EX करके। ओके, वो हाईएस्ट लेवल होगा जो पोकेमोन वहाँ तक मैक्स लेवल तक पहुँच सकता है, ये उसका हाईएस्ट लेवल होगा। तो बस यही कुछ डिटेल थी, थोड़ी ही डिटेल है, बाकी की डिटेल बाद में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा ब्लॉग जो है वहाँ पर मैं ये डाल दूंगा, प्रॉपर हिंदी के अंदर होगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, आप जा सकते हो और पढ़ सकते हो आराम से, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।